समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने भाजपा नेता अमित शाह और मोदी को हिटलर बताया। उन्होंने कहा, भाजपा को इस चुनाव में जो सीटें मिली हैं उनमें से 5 से 7 सीटों पर बेईमानी हुई है। ये सब ईवीएम में गड़बड़ कर किया गया है। जैसे ही चुनाव में किसी की हार होती है तो दोष ईवीएम को दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कई जगह सपा की हार की वजह ईवीएम को बताया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मेरठ में जो हमारे प्रत्याशी जीत चुका था उसकी काउंटिंग स्लो कर दी गई और काउंटिंग में हेरा फेरी करवाई गई। मनोज यादव ने कहा कि देश में ऐसी बहुत सी सीटें हैं जिन पर गड़बड़ी हुई है, जो नेता झुकता नहीं है उस पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जाता है और झुका लिया जाता है और उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के दो जो हिटलर थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, इन लोगों ने देश की जनता को लूटा है। देश की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। अभी भी जो सीटें आप लोगों को दिख रही हैं ये बेईमानी के कार्ड दिख रही हैं। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने 5 सीटों से अधिक 7 सीटों पर बेईमानी की है। आप इस कड़ी में अलीगढ़ की सीट है, मेरठ की सीट है जो हमारा प्रत्याशी जीत चुका था, लेकिन काउंटिंग को इन्होंने स्लो करा के, काउंटिंग में हेराफेरी करके इन्होंने भाजपा वाले को प्राण पत्र दिया है। इसी कड़ी में फूलपुर सीट है, और भी सीटें हैं, कम 7 सीटें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने समाजवादी पार्टी की बेईमानी की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।